नगर पंचायत पागबड़ा के संत नामदेव बड़ा मंदिर पर श्री रामलीला कमेटी के तत्वाधान में बाहर से आए कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है और इस रामलीला के मंचन को देखने के लिए पागबड़ा और उसके आसपास के इलाकों के धर्म प्रेमी भगवान श्री राम की लीला को देखने के लिए पहुंच रहे हैं और धर्म लाभ कमा रहे हैं। बुधवार की देर रात्रि रामलीला के इस मंच पर राम वनवास और भरत को राजगद्दी का मंचन किया गया। कलाकारों द्वारा खूबसूरत अंदाज में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला के दृश्य को पेश किया गया, जिसको देखकर राम भक्त भाव विभोर हो गए। आपको बताते चलें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संत नामदेव बड़ा मंदिर पर भगवान श्री राम की लीला का मंचन किया जा रहा है। हर रोज ही कलाकारों द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की लीला को खूबसूरत अंदाज में पेश किया जा रहा है। बीती रात्रि कलाकारों द्वारा दशरथ के कई संवाद खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया और राम जी का वनवास और भरत जी को राजगद्दी का मंचन किया गया, जिसको देखकर भारी संख्या में मौजूद रहे राम भक्त भाव विभोर हो गए और कलाकारों की भूरी भूरी प्रशंसा की। रघुकुल की मर्यादा को निभाते हुए भगवान श्री राम द्वारा राजमहल को छोड़कर वनों की तरफ प्रस्थान किया गया। भगवान राम के साथ माता जानकी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी वनों में जाते दिखाई दिए। भगवान श्री राम और माता जानकी के संवाद दिल को छू लेने वाले थे, जिनको सुनकर राम भक्तों की आंखों में आंसू आ गए। जानकी जान से प्यारी है, लक्ष्मण मन लक्ष्य समान मुझे, जब ये ही तीनों बन जाते हैं तो ये राज भवन सुखान मुझे। प्राणों प्राणों तुम इनके साथ साथ इनके संबंधी हो जाओ। इस मौके पर रामलीला कमेटी पागबड़ा के अध्यक्ष लाला पुरुषोत्तम शरण गुप्ता, कोषाध्यक्ष सीताराम रोहिला, संरक्षक रामबाबू भटनागर, महामंत्री नरेश सक्सेना, प्रबंधक सतपाल सिंह हुड्डा, ऑडिटर डॉक्टर सोहन सिंह, देवेंद्र सिंह, जयप्रकाश मंत्री जी, ओम प्रकाश सिंह, कमल सिंह सैनी, तोताराम सैनी, मनीष भटनागर, ठाकुर ओंकार सिंह, बेग्राम प्रजापति, रोहिताज सैनी सहित सैकड़ों की संख्या में राम भक्त मौजूद रहे।